झारखंड में समायोजन के नाम पर किया रांची बॉयज पॉलिटेक्निक के प्रचार, आर के शाह ने भारी घोटाला। विश्व बैंक संपोषित योजना के कर्मियों से लिए लाखों रुपए, पैसे लेकर दे दिया तत्कालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी सचिव विनोद अग्रवाल को। रांची के बॉयज पॉलिटेक्निक के प्राचार्य रंजीत कुमार साहा यानी आर के साहा, जी हाँ, ये वही शख्स हैं जो कभी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में सचिव भी थे। इन्होंने विश्व बैंक कर्मियों के समायोजन के नाम पर लिए पैसे ही हड़प ली है। इनकी कारगुजारियों से पूरा झारखंड वाकिफ है। इनके बारे में यह कहा जाता है कि पॉलिटेक्निक की परीक्षा में विद्यार्थियों को पास कराने से लेकर उनसे मनमाने फीस वसूलने का काम ये बखूबी करते थे। इन्हीं के रिजीम में मेवेरिक एजेंसी को गलत तरीके से 3 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया गया। उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने 5 नवंबर 2014 को जांच के भी आदेश दिए थे। एसबीटीई के नए सचिव बीपी सिन्हा ने गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसमें पॉलिटेक्निक की परीक्षा के संचालन से लेकर रिजल्ट प्रकाशित करने, उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ी की शिकायत की थी। 22 दिसंबर 2015 को तत्कालीन संयुक्त सचिव दिलीप कुमार झा ने 1100 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी। इसमें 3 IAS अधिकारी डॉक्टर ए के पांडे, एल ख्यांगते और विनोद कुमार अग्रवाल समेत विभाग के निदेशक अरुण कुमार, रंजीत कुमार साहा, मेवेरिक कंपनी के रोहित रमन, सहायक निदेशक डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव, अपर सचिव हरदेव सिंह, उद्योग विभाग के लेओ मिंज समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था, पर मामला अब तक दबा ही रह गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इनका एक नया कारनामा सामने आया है। इन्होंने विश्व बैंक परियोजना के 60 से अधिक कर्मियों को झारखंड सरकार में समायोजित करने का भारी भरकम ठेका लिया था। इनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें इन्हें राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और राजकीय पॉलिटेक्निक रांची के कुछ कर्मियों द्वारा पैसे के लेन देन की बातें कही गई हैं। कहा गया है कि आर के शाह ने 35 लाख रुपए से अधिक की वसूली इन कर्मियों से की है। अब इनका राग बदल गया है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की तरफ से इनसे जब संपर्क कर पूछा गया तो इन्होंने कहा कि उनका नाम बेवजह उछाला जा रहा है। पैसे तो तत्कालीन विभागीय सचिव विनोद कुमार अग्रवाल ने लिए थे, अब वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूत्रों का कहना है कि इन्होंने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के रंजीत, रमेश और जितेंद्र तथा बॉयज पॉलिटेक्निक के जफर से पैसे लिए थे। ये उस समय महिला पॉलिटेक्निक के प्राचार्य भी थे। इनसे उपरोक्त विश्व बैंक कर्मियों की तरफ से लाइजनिंग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार विश्व बैंक कर्मियों में 60 से अधिक थर्ड और चतुर्थ ग्रेड श्रेणी के कर्मी हैं, शेष लिपिकीय संवर्ग सेवा के हैं। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।